हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज के वीडियो का थंबनेल एंड टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज के वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ डिफरेंस बिटवीन 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम एंड 40 वॉल्यूम। तो ये क्या है 20, 30 एंड 40 वॉल्यूम? तो ये है डेवलपर्स जो कि मैट्रिक्स के अंदर आते हैं। बट बहुत सारे लोग होते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम 20 वॉल्यूम यूज करें, 30 वॉल्यूम यूज करें कि 40 करें। उनको समझ ही नहीं आता कि कौन सी वॉल्यूम किस हेयर्स के लिए है। तो आज मैं शेयर करूंगी इसी का डिफरेंस। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आप देख सकते हैं ये है मैट्रिक्स का 20 वॉल्यूम, ये है मैट्रिक्स का 30 वॉल्यूम, ये है मैट्रिक्स का 40 वॉल्यूम। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ 20 वॉल्यूम के बारे में। 20 वॉल्यूम क्या है कि अगर आपको ज़्यादा ब्लॉन्ड लुक नहीं चाहिए बालों का, तब आप यूज़ करेंगे 20 वॉल्यूम। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मीडियम चाहिए, देन आप यूज़ करेंगे 30 वॉल्यूम। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लॉन्ड लुक चाहिए, देन आप यूज़ करेंगे मैट्रिक्स का 40 वॉल्यूम। तो जैसे जैसे वॉल्यूम्स हैं वैसे वैसे ये स्ट्रॉन्ग है। 20 वॉल्यूम वाला थोड़ा कम होता है, 30 वाला थोड़ा सा ज़्यादा, और 40 वाला सबसे ज़्यादा। तो ये तीनों आते हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो बेसिकली जितना आपको ब्लॉन्ड लुक चाहिए, जितना आपको नेचुरल चाहिए, उतनी आप कम वॉल्यूम पे जाएं। जितना आपको ब्लॉन्ड लुक चाहिए, उतनी आप ज़्यादा वॉल्यूम पे जाएं। तो यही थी बस मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ, बाय।